जीका जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक जीका जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारती जीका जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जीका जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पूरी दुनिया में अगले साल से मनाने की शुरुआत हो जाएगी मेरे भाई और बहनों। राम जी के जीवन के ऊपर इंडोनेशिया के बाली में और अन्य स्थानों में राम जी के ऊपर कथाएं होती हैं, नृत्य होते हैं, उनके जीवन के ऊपर कहा जाता है। लेकिन हमारे अपने देश के अंदर पिछले 70 सालों में ऐसा समय था कि राम जी के राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, राम जन्मभूमि का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, और कई लोग अब कहते हैं कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्यों भाई, इनको मौका देना फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का? फिर मन पक्का करने दसा मौका देना ना, फिर बाबरी मस्जिद बनाने रहा नहीं ना। मंदिर बन के ठीक हुआ कि नहीं हुआ? आगे बना रहना चाहिए। ये हिंदू इतने धैर्य पूर्वक होते हैं, हमारा पूरा समाज भारतवर्ष इतना धैर्य पूर्वक होता है कि हमने 500 साल लगा दिए अपने देश में, लेकिन पिछले 5 वर्षों को देखिए क्या बदलाव आया है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य महाकाल लोक बन गया, और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। ये 5 वर्षों में हो गया। करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते खुल गए, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंच गया, चार धाम की यात्रा के लिए बड़ी बड़ी 4 लेन हाईवे और रेलवे लाइन बिछ गई, और प्रभु जी की कृपा से आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने अपने ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन भी चला दी है, हमने खाटू श्याम के लिए राजस्थान के लिए ट्रेन भी चला दी है, हमने कलकत्ता के लिए ट्रेन चलाई, तो नांदेड़ साहब के लिए गुरुद्वारे के लिए ट्रेन भी चला दी, और यही नहीं वृंदावन मथुरा और उज्जैन के महाकाल लोक के लिए भी आपको ऊना से ट्रेन हमने चला दी है।